वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें दिया गया है कि पूजा एंड रितु बोथ टेक 71/7 डेज टू कंप्लीट अ वर्क एंड वन डे वर्क ऑफ पूजा इज इक्वल टू है 3/4 ऑफ वन डे वर्क ऑफ रितु। तो हमें पता लगाना है कि अगर पूजा एंड रितु अकेले उस काम को करती है तो कितना टाइम लेगी। सो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट पूजा अलोन कैन डू द वर्क इन एक्स डेज एंड रितु अलोन कैन डू द वर्क इन वाई डेज। देयरफॉर वन डे वर्क ऑफ पूजा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x एंड वन डे वर्क ऑफ रितु हो जाएगा 1/y और दोनों मिलाकर ले रही है 71/1। अब हमें पता है कि बोथ पूजा एंड रितु टेक्स 71/7 डेज टू कंप्लीट द वर्क। इसे कि अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो हमें मिलेगा 120/7 डेज। तो हम बोल सकते हैं कि एंड वन डे वर्क ऑफ बोथ इज इक्वल टू होना चाहिए जस्ट इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 7/120। Therefore, 1/x plus 1/y is equal to होना चाहिए 7/120। दोनों के वन डे वर्क को अगर हम ऐड करें तो हमें ये मिलना चाहिए। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम आते हैं दूसरे कंडीशन में। दूसरा कंडीशन है कि वन डे वर्क ऑफ पूजा, यानी कि नाउ एज पर सेकेंड कंडीशन वन डे वर्क ऑफ पूजा यानी कि 1/x इज इक्वल टू है 3/4 ऑफ वन डे वर्क ऑफ रितु यानी कि 1/y और 1/x इज इक्वल टू 3/4y। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, 1/x का जो वैल्यू है दूसरे इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देयरफॉर 3/4y प्लस 1/y इज इक्वल टू हो जाएगा 7/120। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें मिला है ये, और अगर हम 1/y कॉमन ले लें तो यहां पे बचेगा 3/4 + 1 यानी कि 7/4 इज इक्वल टू 7/120। सो यहां पे 7 कैंसिल हो जा रहा है, देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा 120/4 इज इक्वल टू 30। सो हमें y मिल गया है 30, सो हम x भी फाइंड कर सकते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 2, सो 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 × 30। सो ये भी 10 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, therefore x is equal to हो जाएगा 40। सो अब हमें x and y मिल गया, यही हम लोगों ने लेट किया था पूजा एंड रितु का वर्क फॉर x डेज। सो अब हमें x and y का वैल्यू मिल गया है, सो यही हम लोगों ने लेट किया था। thus
पूजा टेक्स, पूजा एक्स डेज ले रही है यानी कि 40 डेज हो जाएगा, एंड ऋतु टेक्स वाई डेज यानी कि 30 डेज, ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू।